हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये मारुति सुजुकी की वैगनर है, 2013 का मॉडल है, सीएनजी प्लस पेट्रोल कार है। तो इसका आज कंडेंसर रिप्लेस करने वाले हैं। कंडेंसर क्यों रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि जब इसका एसी चालू करते थे तो कस्टमर एसी चालू करता था तो सुबह सुबह कूलिंग होती थी बरोबर, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, लेकिन 12-1 बजे के टाइम जब गाड़ी बाहर जाती या ट्रैफिक वगैरह में गाड़ी फंस जाती थी तो कूलिंग होता ही नहीं था। इस वजह से मैं इसका आज कंडेंसर चेंज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं कंडेंसर की हालत दिखा देता हूं कि कंडेंसर की पोजीशन क्या हो गया है जिसकी वजह से कंडेंसर रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो चलो फिर मैं आपको बाहर दिखा देता हूं ले जाके कि कंडेंसर का पोजीशन और कंडेंसर का हालत आप देख करके खुद कहेंगे कि हाँ ये चेंज करने की जरूरत है। तो चलो फिर मैं आपको बाहर लेके जाता हूं। आप देख पा रहे कंडेंसर की हालत कितनी खराब हो चुकी है, इस वजह से कूलिंग छोड़ दे रहा था, जैसा कि देख पा रहे धूल मिट्टी वगैरह बैठ गया है इस वजह से। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, खोल के नया वाला कंडेंसर ये रही। सबसे पहले मैं इसका प्राइस आपको दिखा देता हूँ, 5,005 रुपये है। खोल के भी दिखा देता हूँ ताकि देख पा रहे ये वाले कंडेंसर है नया। तो चलो फिर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, ये वाला खोल के ये वाला रिप्लेस करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। आगे देख पा रहे हैं फाइनली फिट हो चुकी है अपना कंडेंसर, नया वाला और जूना वाला इधर रही। तो ये कंडेंसर ओरिजिनल कंडेंसर है, ओरिजिनल कंडेंसर आप लेंगे तो 5,000 तक आ जाएगा आपको। अगर ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट कंडेंसर लेंगे तो 3,500-3,2500 रुपये तक आ जाएगा, जो कि वो चलता ही नहीं है कंडेंसर, 1-2 महीना चलेगा उसके बाद वैसा होगा। तो चलो फिर मैं इसको गैस वगैरह चार्जिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली देख पा रहे हैं वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको गैस चार्जिंग को दे देता हूँ, 300 ग्राम गैस मार देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे 300 ग्राम गैस फिल हो चुका है। तो चलो फिर मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। पहले दोस्तों जैसा कि देख पा रहे फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, गाड़ी चालू है और एसी चालू रखा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 7.2 पे आ चुका है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका। अभी जो वो फॉल्ट आ रहा था कि ट्रैफिक वगैरह में कूलिंग नहीं हो रही थी, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसका। तो चलो फिर मैं इसका हीटर हाई करता हूँ और हीटिंग टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटर हाई किया हूँ और हीटिंग टेम्परेचर देखते हैं कितना तक जा रहा है। तो देख लीजिए अब थोड़ा हीटर टेम्परेचर भर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो होल्ड करता हूँ, देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 42 तक चला गया, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज 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 प्लीज। सब चीज ना सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको चीजें समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपको चीजें समझ में आए ताकि आपके साथ कोई छल वगैरह ना कर पाए। तो चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।